अपने घर के आगे बोर्ड लगाया बीवेयर ऑफ किशोर। एक प्रोड्यूसर ने आधी पेमेंट नहीं दी तो क्या हो गया यार, आधे चेहरे पे मेकअप लगाया और दादा पहुंच गए सेट के ऊपर। डोंट वी ऑल लव किशोर कुमार हिज वॉइस? कभी मूड नहीं किया आपका कि चलो यार जाके दादा से मिलकर आए? मैं मिलवाऊंगा आपको विद द क्रेजी जीनियस किशोर कुमार। You entered the house of the king, Kishore Kumar. अमिता तो basically यही वो जगह थी, Kishore Kumar आते थे घर में, कहाँ से आते थे, क्या होता था। Whole house used to be vibrant एकदम। हम सब किशोर दा के भक्त हैं, हम उन्हें सुनते हैं। Kishore Kumar किन्हें सुनते थे ये बताइए। कुंदन लाल सहगल, शुरू से लेकर आखिर तक वो उनका गुरु रहा। बिंग क्रॉसबी, फ्रैंक सिनाट्रा, उनको इंडियन क्लासिकल भी बहुत पसंद था। वलायत खान साहब को बहुत पसंद करते थे, बड़े गुलाम अली खान साहब। और कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये जिस घर में इस वक्त हम बैठे हैं, ये आपने और किशोर दा ने मिलकर इस घर को बनाया था? हाँ जी, नीचे घुसने से ना एक बरामदा था, बरामदा में एक झूला था। अच्छा, हम लोग झूलते थे उसमें और चाय पीते थे। यूज टू वर्क वेरी हार्ड, कम से कम 24 घंटा काम करते थे। तो उनके लिए मैंने एक बड़ा गाड़ी खरीदा, टूडी वेकर, जिसमें बिस्तरा बिस्तरा लगा देते थे और ड्राइवर को बोलते थे उनको सोते सोते ले जाओ, सोते सोते लाना। जैसे उनका फ़ोन आता था वो हेलो नहीं बोलते थे, अच्छा क्या कर रही हो, तो मुझे पहले शुरू में बोले कौन बोल रहे हैं आप, तो फिर वो बोलते थे कि अरे बाबा तुम मेरी आवाज़ क्यों नहीं पहचान। प्यार अजनबी इस फिल्म से पहले संजीव कुमार ने आपको एक टिप दिया था। बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे संजीव कुमार, और उनका फ़ोन आया तो मैंने बोला पता है मुझे फिल्म की ऑफ़र आई है किशोर दा से, और वो मुझे अच्छा रोल दे रहे हैं और मैं करूँगी शायद। हाँ करो, लेकिन पहले राखी बांधना नहीं तो शादी कर लोगे। भाई किशोर मेरे बहुत ही करीब के दोस्त थे, मैं उन्हें उस ज़माने से जानता हूँ जब अमित एक 2 साल का बच्चा था। हालांकि वो थे तो बहुत हड़बोंगी, लोगों की टांग खिंचाई, उछलना कूदना, कहीं वो शूटिंग कर रहे थे, प्रोड्यूसर ने पैसा नहीं दिया था उनको, उनको गाड़ी चलाकर एक जगह पर जाना था, उन्होंने स्टार्ट की गाड़ी, गाड़ी चलना जो शुरू हुई तो रुकी ही नहीं, सीधे वो अपने घर चले गए। ऐसे बहुत बहुत मासी मजाक। Kishore Da used to come here, like how often? Very often. He used to come quite a lot with Asha Ji, Ashok Kumar, Vinod Khanna, Robin Babi, and all that time he used to be humming something or the other. And sometimes I used to see him and wonder what this fellow is doing, you know. That's Kishore Kumar. Yeah, that's Kishore Kumar. Very nice man. Very nice man. I thought he was an unique character. Kishore had a perspective on life which was different. When you and Kishore Da, when you guys were scheduled to meet for the first time, he said on 3 conditions I'll meet you. What were the 3 conditions? Well, 1, that I was not to ask him for any money. 2, I wouldn't borrow his horror movies from him. He had the best collection of horror movies. And the 3rd condition was that I wouldn't ask him for dinner. Kishore Da was recording a song. You were in that same room, either playing the accordion or the organ or the synthesizer. What all memories do you have of Kishore Kumar? Thing about Kishore, very few people realize that he had perfect pitch. Normally, when see a classical singers also, गाना गाने के पहले पेटी का सुर लेंगे, नहीं तो सुर बंधन मारेंगे, देन गाना शुरू करेंगे। सो दे टेक द पिच फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। किशोर दा ने सो मेनी सॉन्ग हल्ला गुल्ला करने गाने में, पहले अचू अचू बल्ला बुल्लू बुल्लू, देन हिल कैच द नोट एंड देन वी कम इन एंड नॉट दिस मच डिफरेंट, अनबिलीवेबल। इस बात में कितनी सच्चाई है कि उनके घर के बाहर एक गधा होता था? मैंने जब एंट्री ली तो एक डोंकी था, एक गधा था उधर। हाँ, उसको सूट पहनाया था, हैट पहनाया था, और तो मैंने बोला ये क्या, बोलते देखो
ये फिल्म इंडस्ट्री है, पता नहीं कब कौन सा गधा खुदा बन जाए। अगर मैं एक चीज आपसे पूछूं जो जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब थी, खंडवा, झूम टाउन। आई थिंक देयर वाज समथिंग स्पेशल अबाउट खंडवा, देयर वाज समथिंग स्पेशल अबाउट मधुबन। देयर आर टू स्पेशल थिंग्स इन हिज लाइफ। खंडवा वाज समथिंग ही लव्ड वेरी मच। किशोर दास से मिलने की जर्नी हमने शुरू करी थी मुंबई में उनके घर गौरी कुंज से, और अब हम आ गए हैं उस जगह पे जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब थी, खंडवा में उनका बर्थ प्लेस गौरी कुंज। सीताराम जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? सबसे ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ साहब जी, आपकी मेहरबानी। किशोर साहब के मकान में आए साहब, आप यहीं पे पैदा हुए थे? जी साहब, उनका जन्म इसी मकान में हुआ। हमें बताइए ना, मतलब किशोर दास जब आते होंगे अपने घर में? किशोर साहब आते थे तो पूरा खंडवा बहर हो जाता था, बहुत भीड़ लग जाती थी, तो चांदनी पे से आके सबको नमस्कार वगैरह करते थे, भाई चिल्ला मत। तो उनका यही कहना था कि बम्बई की बहुत दिवाली करी है, अब खंडवे की दिवाली करेंगे, मकान को अच्छा सजाओ, हम दिवाली के पहले आएंगे, दिवाली यहीं की करेंगे, इतना बोल के चले गए। उसके बाद में खबर आ गई कि साहब अटैक में निकल गए। सुबह 6 बजे डेड बॉडी आई थी, 11 बजे उनकी शोभा यात्रा निकाली, तो शाम को 6 बजे साहब। कितने लोग होंगे उनकी शोभा यात्रा में? कम से कम लाखों आदमी थे। इस कमरे के अंदर किशोर कुमार का जन्म हुआ था साहब, हम देख सकते हैं? आइए। जब किशोर दा गए इस दुनिया से जी, तो यही कमरा उनका एक आखिरी पड़ाव कह सकते हैं? हाँ सब यही कमरा था, किशोर साहब की डेड बॉडी इसी कमरे में लाके रखी थी। अगर आप माइंड ना करें तो मैं यहाँ इस कमरे में किशोर दा के साथ अगर चंद लम्हे बिता लूँ। आपका सौभाग्य, बिता लीजिए साहब के साथ में आप आ गए तो। हजारों के आने से मिलते नहीं, उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम।